हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का वीडियो है तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। 2023 में तेजपुर यूनिवर्सिटी का कुछ अलग फॉर्मेट है एडमिशन लेने का। वो फॉर्मेट क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए। उसके पहले अगर आप तेजपुर यूनिवर्सिटी के कॉलेज का कंप्लीट रिव्यू चाहते हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको सिर्फ जाना है जो है यूट्यूब पे एंड सर्च करना है तेजपुर यूनिवर्सिटी MCA, ठीक है। सर्च करने पे सबसे पहले मेरी ही वीडियो आएगी टेकपुर इंफो की, एंड इस वीडियो को क्लिक करिएगा, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, राइट। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाइएगा जरूर देखिएगा। अब आते हैं 2023 में यहाँ पर एडमिशन कैसे लेना है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो 2023 में एडमिशन लेने के लिए आपको अलग फॉर्मेट अपनाना है, यानी कि तेजपुर यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवा रहा है, दैट इज TUEE, यानी कि TUEE का मतलब हो गया तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहां पर अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे TEZU.ERNET.IN पे आएंगे, फिर आपको यहां पर ऊपर सेक्शन मिलेगा, बटन मिलेगा एडमिशन 2023 पे। इस पर क्लिक करने पर आप इनके एडमिशन वाले वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, राइट। तो यहां पर ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है एडमिशन फॉर 2023-24 सेशन। तो यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग तरीका है। अंडर ग्रेजुएट के लिए ये अभी भी CUT के बेसिस पे ले रहे हैं, लेकिन PhD एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एंड BTEC के लिए ये लोग TUEE ही करवा रहे हैं, यानी कि तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ही करवा रहे हैं। तेजपुर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसेस क्या है एंड लास्ट डेट क्या है, वो सब चीजें मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। तो अभी इसका एग्जाम का जो डेट है 24 मार्च से स्टार्ट हो गया है, यानी कि आज जब मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूं तो 5 अप्रैल है। थोड़ा सा देर हुई है बताने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी भी बहुत टाइम है। 30 अप्रैल लास्ट डेट है, अभी आपके पास ओवरऑल 25 दिन के आसपास का टाइम है, और फॉर्म को जरूर भरिए जो लोग भी एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट डेट 30 अप्रैल है। डेट जो है क्या है इसका एंट्रेंस एग्जाम का, तो 26-28 मई को एग्जाम होने वाले हैं। और एग्जैक्टली MCA का एग्जाम किस दिन होगा वो मैं बता दूंगा आपको। तो उसके लिए MCA का एग्जाम जो है यहाँ पर 26 मई को होगा, दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में। यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर पे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड 26 मई 2023 दिन होगा फ्राइडे, और टाइमिंग होगी 2 बजे से 4 बजे के बीच में, राइट। इतनी चीजें आप जान गए हैं। अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पर ऑप्शन है PG थ्रू TUEE रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इनकी नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। ₹800 OBC नॉन क्रिमिनल जनरल वालों का जो है फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, एंड ₹400 SC ST एंड EWS PWD वालों का है। एंड आप किस कोर्स के लिए ले रहे हैं वो अपना ध्यान से देख के वो चीजें आपको भरना है। एंड कुछ चीजें और है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, स्कैंड कॉपी आप सिग्नेचर होगा, ऑल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट यानी कि सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होंगे, जितने भी आपके होंगे यानी कि 10th के 12th के ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट, वो सब कुछ आपके लगने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आप ये एग्जाम दे देंगे तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट लगेगा, साथ में आपको एक NOC बनाना पड़ेगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आप अपने कॉलेज से बनवा लीजिएगा, और जब काउंसलिंग होगा उस टाइम लगने वाला है, ठीक है। एंड अंडरटेकिंग जो होगा वो आप फिल कर दीजिएगा, एक फॉर्म आता है अंडरटेकिंग का, शायद ये लोग दे रखे होंगे, अब नहीं दे रखे होंगे तो आप मेरे पास मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पे, आई विल शेयर दैट अंडरटेकिंग फॉर्मेट ओके विथ यू। एंड इसके अलावा जो लोग डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो डिफेंस वाला सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, एंड और इसके अलावा भी कोई अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, कोई मेडल है, कुछ समथिंग है, तो वो अगर बेनिफिट मिलने वाला होगा तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिल जाएगा, एंड उसे साइन इन कर लेना है। उसके बाद स्टेप बी में क्या है कि आपको जाके अप्लाई करना है, डैशबोर्ड से अपनी सारी प्रोसेस को फुलफिल करनी है, स्टेप बाय स्टेप सारे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, ठीक। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मैच होता है तो आगे आप प्रोसीड करेंगे, नहीं तो आप रुक जाइएगा। वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन पहले आप चेक कर लीजिए एलिजिबल आप हैं MCA के लिए या नहीं है, या किसी और कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट यू नीड टू चेक दैट यू आर एलिजिबल फॉर दैट कोर्स और नॉट, राइट। एंड उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपना भरने के बाद बाकी चीजें आप कर लेंगे। अगर इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। इसके बाद अब मैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी पे आता हूं, तो सर्च करता हूं मैं यहां पर MCA, ठीक है। तो MCA कोर्स आप देखेंगे कि आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो जिसमें कम से कम 50% मार्क्स हो, और आपने 10+2 यानी कि 12th पास आउट किया हो मैथमेटिक्स से, ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा और आप एडमिशन ले पाएंगे इस कॉलेज में।
अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप किसी न किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पे भी मिल जाएगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस पे आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चंस कैसे किस तरह के पूछे जाएंगे, तो लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स 10+2 लेवल, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, इंग्लिश वोकैबुलरी एंड कंपोजिशंस। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो सिलेबस इनका है ऑलमोस्ट वही सिलेबस जो है सीयूटी का भी है। तो सीयूटी के लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक फॉर्म आपको फिल करना होगा, ठीक है, छोटा सा अमाउंट है वो आपको भर देना होगा और आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाएंगे और पूरा टेस्ट सीरीज आप दीजिएगा। इसलिए वो बनाया गया है सीयूटी वालों के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो सिलेबस है सेम टू सेम है, बस आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट अलग से हैं। जो लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे एंड वो लोग टारगेट रखेंगे कि हम तैयारी कर रहे हैं एज यूनिवर्सिटी का, वो मेंशन कर देंगे फॉर्म में बर्थडे टाइम पे, तो उनको प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट होंगे बेसिक उनका अलग से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके अलग से थ्योरी आपको शेयर किए जाएंगे, राइट। तो ये चीज आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने से आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और उसमें हम लोग 2000 से ऊपर क्वेश्चंस को कवर करेंगे डेली पर डे। आपको कुछ ना कुछ एक टारगेट दिया जाएगा कि आपको ये पढ़ना है, इतने क्वेश्चन करने हैं, डेली का टारगेट होगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि फिर आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार आपका टेस्ट करवा दिया जाए फिर उसका आंसर दे दिया जाए बस बात खत्म हो गई, नहीं। अगर आपको टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है तो मेरा मोटिव ये रहेगा कि आपको उस कॉलेज तक पहुंचाया जाए, टारगेट यही है कि आपका उस कॉलेज तक पहुंचाने का, क्योंकि आप तैयारी तभी कर रहे हैं जब आप दिमाग में लेके बैठे हुए कि हमें इस कॉलेज में जाना है, लेकिन जाने के लिए मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। हम आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, हम आपको एक पाथ देंगे कि हाँ यहां से आप डेली पर डे ये चीजें पढ़ते रहिए, ये चीज करते रहिए, टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, आपको कंप्लीट बनी बनाई पाथ पे चलना है बस, ठीक है, फॉलो करना जो हम बताएंगे। अगर आप खुद तैयारी करेंगे तो आपके पास पाथ डिसाइडेड नहीं होती है, किसी दिन आप मैथ पढ़ेंगे, किसी दिन लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, किसी दिन इंग्लिश पढ़ेंगे, तो कोई भी चीज सही से क्लियर नहीं हो पाते किसी चीज के कॉन्सेप्ट। अगर हमारे बनाए हुए पाथ पे चलेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। छोटा सा अमाउंट है, एक छोटा सा अमाउंट आपको एक बड़े लेवल तक ले जा सकता है, ठीक। अब हम लास्ट में बात करेंगे कि टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ है। तो टेस्ट सेंटर आपके भैया ये सारे हैं, देख लो 24 टेस्ट सेंटर हैं, अगरतला है, एजवाल है, इसके अलावा बेंगलुरु है, भुवनेश्वर, दिल्ली, डिब्रूगढ़, डिपू, गोलपारा, गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, ये सारे हैं, कानपुर है, कोलकाता है, नॉर्थ लखीमपुर, पटना है, एनसीलोंग, सिलचर, सिलीगुड़ी एंड तेजपुर। टोटल 24 जो है टेस्ट सेंटर है जहां पर एग्जाम करवाए जाएंगे, ठीक है, और ये सारी चीजें आपको शेयर की जाएगी जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। एडमिट कार्ड में सब मेंशन होगा कि कहाँ एग्जाम है, किस टाइम से, सब कुछ लिखा होगा फिलहाल, एंड जैसे ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा आई विल अपडेट यू, ओके। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी तेजपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित, ठीक है। और एक बार और मैं बोलूंगा, जो ये मैं रिव्यू बताया हूँ, ठीक है, तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, वो जरूर जाके देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है, फीस कितनी है, प्लेसमेंट कितना जाता है, प्लेसमेंट परसेंटेज कितना, हाईएस्ट पैकेज कौन सी कंपनीज आती है, रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है। कोशिश करूंगा मैं तेजपुर यूनिवर्सिटी का कोई एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करूं जो बच्चे वहां पर एक्चुअली में पढ़ रहे हैं, मेरी कोशिश रहेगी बहुत जल्द लाने की कोशिश रहेगी। बट हाँ, तब तक ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी है, कोशिश करिए इसको देखने की एंड समझने की, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, नो डाउट, सारी फैसिलिटीज ठीक ठाक है। हाँ, और चीजें क्या है इंटरनली आपको देखना पड़ेगा वीडियो को, ठीक है। वीडियो को एंड करते हैं, वी विल मीट वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए एंड सीखते रहिए नई नई चीजें। जय हिंद।